अरे भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम समाज के अंदर कुछ पागल लोग ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर देशराज जी ये मेडिकल ऑफिसर है, ये मरीजों का इलाज करते, अकेले मरीजों का इलाज नहीं करते, मूल निवासी बहुजनों के दिमाग का भी इलाज करते हैं। ये सामने है, आपके डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, लाखों का सैलरी लेते हैं, और मेरी बहन जो है गीता रानी वकील, ये अकेले किसी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर कि किसी के घर में बैठे हुए हैं, पांच लोग हैं, सात लोग हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पंजाबी बहुत लकी वाले थे, कदे भी सौंदे तेरी के अख ला गई, इनको लगी ही है, जिनको आग लगी है, यहां हम भी आपके लिए आग लगाना चाहते हैं, इसलिए कार्यक्रम किया। और आपने देखा कि एक करोड़ की बात हो रही है, कि एक करोड़ की जो प्लान है, दो महीने पहले मेरे घर में राजा जी आए, वीर सिंह जी आए, वहां ने प्लान बनाया, क्योंकि वो संगठन कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसकी कोई योजना नहीं होती। हमने योजना बनाया। अरे वो वक्त था कि हमारे पास साइकिल के लिए भी पैसा नहीं होता था। आज बाबा साहब अंबेडकर की कृपा और उनकी विचारधारा का परिणाम है। हमने सोचा कि दिल्ली के अंदर हमने अपने कार्यालय का निर्माण करना है, इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। जब प्लान बनाया, राजा जी ने कहा मैं पहला व्यक्ति हूं, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। दादा जी यहां है, दादा जी मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अरे भैया याद रखो, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने संगठन बनाए हैं भारत के अंदर, मैं मदर टेरेसा का जीवन पढ़ रहा था, मदर टेरेसा को जवाहरलाल नेहरू जी पूछ रहे हैं कि मदर तूने विदेश से आए हैं आप, इतना बड़ा कारोबार कैसे इकट्ठा किया, ये पैसा कहां से आया? तो वो मेरी मां ने बोला, उस मदर ने, उसकी बायोग्राफी में है, वो कहती है जब मैंने संगठन का शुरुआत किया कि इन गरीब बच्चों की सेवा करनी है, बीमारों को ठीक करना है, मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। क्योंकि कहते हैं कि अगर समाज के लिए आप भीख मांगे बनोगे आप महान इंसान हो। कहते मैंने पैसे मांगने शुरू किया, किसी ने मुझे कहा अमुक एक सेठ है जाओ उसके पास, आप तो पैसा देंगे। वो महिला कह रही है, नेहरू को उत्तर दे रही है कि कारवा कैसे आगे बढ़ा। आज ये बारात घर के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, 2014 में हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, ये चंद लोग हैं जो अपनी जेब से लगा रहे हैं, चंद लोग। तो हमने शुरुआत किया, वो कहती कि मैंने शुरुआत किया उस सेठ के पास गए, मैंने कहा सेठ साहब मुझे कुछ दीजिए। सेठ को गुस्सा आया, ये विदेशी और क्या कर रही है। उस सेठ ने मदर टेरेसा के हाथ में थूक दी। जब उसके हाथ में थूका, वो कहती सेठ जी ये तो आपने जो पैसे दिए हैं ये मेरे संगठन के लिए है, अब मुझे क्या दोगे, बताओ मुझे क्या दोगे। जब इतनी बात कही वो सेठ उसके चरणों में गिर गया। मैं ये बता रहा हूं अगर आपकी नियत ठीक है, अकेला व्यक्ति वो क्या कर सकता है, वो महान। और उसने क्या करके दिया, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इतिहास पढ़ो, मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाता है, पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप अगर मुझे क्या नाम उस महाराज का नाम जो है निजाम हैदराबाद, कहते निजाम हैदराबाद बड़ा दानी पुरुष है, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, हाउ टू बिल्ड द नेशन, हाउ टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन,
संगठन कैसे बनाना है। अब मदन मोहन मालवीय सर्वेसर्वा कांग्रेस पार्टी के वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हैदराबाद के निजाम के पास आते हैं। निजाम ने कुछ नहीं दिया, बड़ा दुख हुआ मदन मोहन मालवीय को। अगले दिन देखा एक बारात आ रही है और आप देखते थे बरातों में लोग पैसा लूटते थे जमीन पे। अब मदन मोहन ये जैसा व्यक्तित्व जमीन पे गिर के पैसे लूट रहा है, किसी ने पूछा अरे निजाम हैदराबाद की स्टेट में मदन मोहन मालवीय बरात से पैसे लूट रहा है। कहता है बरात से पैसे इसलिए लूट रहा हूं, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि निजाम हैदराबाद के पास मदन मोहन मालवीय गया था उसे कुछ मिला नहीं है। मैंने इसलिए किया है इस बात का पता, मदन मोहन मालवीय की बात का पता निजाम हैदराबाद को चला, उसने माफी मांगा और उसने कहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मैं भी कुछ दूंगा। साथियों ये जो हम अभियान चला रहे हैं पैसा इकट्ठा करने का, याद रखो हम हमेशा बोलते हैं हम नालायक हो सकते हैं लेकिन हमारी ईमानदारी की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कमाल की बात कहा मुझे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है। I want sincere and dedicated activist. मुझे ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। बुद्धि की कमी की भरपाई मैं खुद पूरी कर लूंगा, किसी को अकल नहीं है, अकल सिखाई जा सकती है लेकिन याद रखना ईमानदारी आपको विरासत में मिलती है ये सिखाई नहीं जा सकती। हम ये कार्यालय का निर्माण करेंगे, हमने लिस्ट बनाई है जिसको 1 लाख बोलेंगे वो 1 लाख ही देगा। कारण है मांगने वाला कौन है, आपका रेपुटेशन आपकी छवि। तो हम ये जो संगठन का निर्माण किया है अभी जो भीष्म जी बोल रहे थे हम 100 कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतारेंगे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं हमारे पास दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उड़ीसा है, ये स्टेट हमारे साथ काम कर रही है लेकिन हमने अभी फोकस किया है दिल्ली के ऊपर, अकेले दिल्ली के ऊपर फोकस किया है। अभी हम बाहर निकलने वाले नहीं हैं लेकिन क्या कमाल की बात है 35 साल से जो हम फूले अम्बेडकर विचारधारा पे काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। खुद स्टेट वाले बोलते हैं हमारे यूनिट बनाओ, यूनिट बनने शुरू हो गए हैं। ये मैंने इसलिए कहा है कि जिसके पास संगठन नहीं होता वो कोई काम नहीं कर सकता। जितों पर खेती की पुस्तक है आरएसएस की कार्यकर्ता मैंने कई बार पढ़ी है, आज की तारीख में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और दत्तोपन ठेंगड़ी उस पुस्तक में कहता है 1925 में जब हमने संगठन बनाया 25 लोग बैठे थे जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 25 साल तक थी, बस 25 लोग। बुद्धा शुरुआत करते हैं 7-8 में, बनारस के बाद नए लोग थे 5, इसलिए पंचशील बोलते हैं पंच प्यारे। संघ जितने धर्मों के अंदर है वो बुद्धा की विचारधारा है, 5 लोग और 25 लोग 20 से 25 साल की उम्र तक बैठे, ईमानदारी से संगठन को चलाया। आज भारत के इतिहास में कभी भी ब्राह्मण पूरे भारत का शासक नहीं रहा, याद रखना जिनको इतिहास की जानकारी वो जानते हैं। पेशवाई पूरे महाराष्ट्र में नहीं थी, सिर्फ पूना में थी पेशवाई, जहां हमारे गले में मटका होता था इसे झाड़ू होता था इसे बोलते पेशवाई, वो बनारस तक थी। आज ये आरएसएस संगठन की वजह से ब्राह्मण पूरे देश का शासक
शासक है, ये बहुत अहम बात है। मैं सिंहासन जा रहा हूं, I am trying to tell you the importance of organization. संगठन की क्या अहमियत है ये बता रहा हूं, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, इसलिए मैंने संगठन पर चर्चा की है। 1 करोड़ रुपया याद रखो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लिस्ट हम क्या कर रहे हैं, अरे याद रखना, 1 लाख से भी ज्यादा देने वाले लोग हैं, लोगों के अंदर चाह पैदा करो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, अरे इतिहास में आप देख रहे हैं कि संगठन किसी को मरने के लिए तैयार कर रहा है, वो मरने के लिए तैयार होते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, वो यहां से कमर से साइनाइड लेता है, मर जाता है। इसका अर्थ है संगठन ने लोगों को मरने के लिए तैयार किया, लोग मरने के लिए तैयार हैं। अरे हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं मिलना। हमें समझाया ऐसा है, आप बंद करो, बाबा जी दे देंगे, तो माता जी दे देंगी, कोई देने वाला नहीं। देने वाले होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को यह संरचना का मतलब, पिछली मैंने ये संगठन की बात बताई, पर आज का विषय जो है ये बहुत कमाल का विषय है, इसकी चर्चा होगी। ये विषय है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया गया लोकतंत्र का वोट का अधिकार बहुजनों को शासक बनाने का रोड मैप है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रोड मैप दिया, रास्ता समझाया। ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम लंबा टाइम आपको दिमाग की खराब दे रहे हैं, वीर सिंह ने बता दिया था, हमने पेट की खराब का प्रबंध किया हुआ, पेट की खराब का प्रबंध किया हुआ। तो ये जो विषय है, क्योंकि दिन भी आप देख रहे हैं तमाम का दिन है, 25 दिसंबर ईसा का दिन, और आज का दिन जब मनु समिति का दहन किया था बाबा साहब अम्बेडकर, मनुस्मृति का दहन किस दिन किया था, और विषय क्या बनाया कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया गया लोकतंत्र का वोट का अधिकार बहुजनों को शासक बनाने का रोड मैप है, मगर फिर भी हम शासक नहीं बन पाए, ये आज का विषय। और आप देख रहे हैं कि पीछे ये तस्वीर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज का कार्यक्रम हमने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किया, क्यों किया? आज का जो कार्यक्रम है ये सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये अमेरिका का महान व्यक्ति, कहते कि संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है, अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हैं दुनिया उनको जानती है, सिर्फ कम जानती है, मार्टिन लूथर किंग को दुनिया ज्यादा जानती है, अमेरिका जानता है, जगह जगह पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं जब अमेरिका में गया तो मैंने मार्टिन लूथर किंग के बारे में सुना, मेरी बेटी ने बोला कि मैं डैडी क्या ले गया हूं, मैं कहा मुझे मार्टिन लूथर किंग की आत्मजीवनी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी लगभग 500 पेज की लिखी हुई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो आंदोलन है 60s में, ये लड़का 1929 को पैदा होता है, 1929 को जन्म होता है और 39 साल की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये आंदोलन क्यों करता है, बार बार वीर सिंह की जोर देते जा रहे हैं, ये युद्ध है, ये लड़ाई का मैदान है। और याद रखिए, लड़ाई के मैदान का अर्थ नहीं है कि हमने को गोली बंदूक चलाना है, बस लड़ाई यहां से होगी। संसार का नक्शा देखो, इंग्लैंड छोटा सा देश है, छोटा सा, इतना सा देश, छोटा सा, पूरे संसार का शासक, कोई ऐसा देश नहीं
जहां उन्होंने शासन नहीं किया, ये युद्ध यहां से होता है। 1865 में अब्राहम लिंकन काले लोगों को आजाद करता है। अब्राहम लिंकन जिसकी परिभाषा बोली जा रही थी, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये मशहूर उनकी परिभाषा है लोकतंत्र की। 1865 में काले लोग आजाद हो गए। कुछ उनकी साउथर्न स्टेट जो थी वो नहीं मान रही थी। 1865 में काले लोग आजाद हुए, भारत के काले लोग अभी भी आजाद नहीं है। बढ़िया बात बता रहा हूं, विषय गंदा रहेगा। मार्टिन लूथर किंग कहता है, मार्टिन लूथर किंग का बाप पादरी है, उनका दादा पादरी है, उनका परदादा पादरी है। बाबा सब कहा करते थे, भगत कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता और क्रांतिकारी कभी भगत नहीं होता। पर मार्टिन लूथर किंग जो पादरी का बेटा है, खुद पादरी है, कहते मैं बचपन में बस में बैठा था, काले लोगों को बस की अगली सीट पे बैठने की इजाजत नहीं है। कब की बात, 60 से 68 तक, अभी अभी की बात है, बस में कोई काला व्यक्ति अगली सीट पे नहीं बैठ सकता। अगर बैठेगा गोरा व्यक्ति आएगा उठा के चल पीछे। आजादी कब मिली, 1865 को, 100 साल बाद भी वो आजाद नहीं। मार्टिन लूथर सोचता है कि मैं सोच रहा था, छोटा था लूथर, मार्टिन वेल विल यू सिट ऑन द फ्रंट सीट, ऐसा कब टाइम आएगा जब तू अगली सीट पे बैठेगा, मैंने बचपन में सोचा। कहते सपने लेना बहुत जरूरी है, सपना लिया कि मैं भी उस सीट पे बैठ लूंगा। अब वो पादरी है, पादरी को प्रार्थना करता है, प्लीज पादरी प्रार्थना करता है, वो कहते हैं मैंने सोचा, बहुत कष्ट भरी हुई है, चर्च में कहता है, जेंटलमैन एंड लेडीज, आज मैं आपको आध्यात्मिक सबक नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं सोशल अपना शब्द रखे, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू स्पिरिचुअल फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का अध्यात्मवाद क्या है नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं ये पढ़ाऊंगा सोशल सर्मन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और सामाजिक समस्या ये है कि काले लोगों को तो बस की अगली सीट पे बैठने दिया जाता, और मैं यहां घोषणा करता हूं आज के बाद कोई काला व्यक्ति बस में नहीं बैठेगा। बस ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, आज से कोई काला व्यक्ति बस में नहीं बैठेगा। 381 दिन आंदोलन चला, 381 दिन कोई काला व्यक्ति बस में नहीं बैठा। एक 72 साल की बूढ़ी मां पैदल चल रही है, और मार्टिन लूथर किंग ने चर्चा किया हुआ है, अभी भी छोटी सी पुस्तक मैंने चार दिन पूरी पढ़ी। मार्टिन लूथर किंग का एक पत्र है, लेटर फ्रॉम ब्रिटिंगम, ब्रिटिंगम की जेल से पत्र लिखा हुआ है, 30 पेज का पत्र है, और वर्ल्ड का सबसे मशहूर वो एक एविडेंस बन गया है। और कह रहे हैं कि वो मां पैदल चल रही है, किसी लड़के ने आके बोला, वो बता कहो मां आ जा इस कार में बैठ। मां ने कहा, बेटा आई एम नॉट वॉकिंग ऑन फुट फॉर माई सेल्फ, मेरे बच्चे मैं पैदल अपने लिए नहीं चल रही, चाहे मैं बूढ़ी हो, आई एम नॉट वॉकिंग ऑन फुट फॉर माई सेल्फ, मैं पैदल अपने लिए नहीं चल रही, आई एम वॉकिंग ऑन फुट फॉर माई पोस्टेरिटी, मैं अपने बच्चों के लिए। और क्या कह रही है, यस कहता मां तेरे पांव थक गए, बेटा मेरे पांव थके हैं लेकिन मेरी जमीर जो है वो न थकी, मेरी जमीर जो है बहुत आनंद। और कल वो जब
पुराने लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भूरी माँ का काले अक्षरों में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस भूरी माँ का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। और आज इतिहास में मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं तो मेरी माँ ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। यहां पर लोग बहाना बनाते हैं, मुझे जुकाम हो गया है या किसी को कर दो तो बोलते हैं कि सत्संग में गया है। मैं बोलता हूं भैया वो सत्संग नहीं है, जितने धार्मिक मेले जाने वो सत्संग नहीं है, मूर्ख बनाया हुआ है, वो झूठ का संग है। यहां पर सत्संग मिला कुछ नहीं, ना मिलना है, लगता है हमें मिलेगा। बाबा साहब ने कहा हमें लगता है मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज का दिन हमने समर्पित किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, और उसमें एक मैं तुलनात्मक तो अध्ययन पढ़ा कि बाबा साहब अंबेडकर जो आंदोलन कर रहे हैं, और हमने ये विषय रखा कि ये लोकतंत्र है। तो मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करता हूं कि लोकतंत्र है क्या, ये लोकतंत्र नाम की चिड़िया कहां से आई, बढ़िया बात है। लोकतंत्र आया कहां से, तो लोकतंत्र हो सकता है कम से यहां बैठे लोगों को पता, मेरे गिनती कम लोग, 8,000 साल पहले लोकतंत्र की शुरुआत जो होती है वो यूनान से होती है, ग्रीस, और होती कहां से है, एथेंस से। संसार का सबसे मशहूर मुल्क है जहां सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, हेमलॉक, हेमलॉक, सुकरात को जहर का प्याला एथेंस में दिया था। और लोकतंत्र का जो निर्माण है वो कहते हैं प्लीस्थन करता है, प्लीस्थन, CLEISTHNES, प्लीस्थन इज द फादर एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेन की लोकतंत्र का निर्माता जो है वो क्लिस्थन है, और बोला जाता है जब लोकतंत्र आया तो क्लिस्थन भी डर गया। शब्द है डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया, DEMO, जो मैं भाषण नहीं दे रहा मैं समझा रहा, DEMO क्रेसिया, KRATIA, डेमोक्रेसिया। डीमो का अर्थ होता है लोग, क्रेशिया का अर्थ होता है कंट्रोल, रूल, पावर, ये शब्द का अर्थ है। डेमोक्रेसिया यूनान का शब्द है, पावर ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। जब ये लोकतंत्र आया तो क्लिंटन ने औरतों को और गुलामों को बाहर निकाल दिया, कितने लोगों ने गुलाम शब्द नहीं है, लोगों में औरत शब्द नहीं है, मेरी बेटियों को भैनों को निकाल दिया। इसका क्या अर्थ है, जब लोकतंत्र का निर्माण होता है तो 40% लोग शामिल हैं, बाकी बाहर है। क्या बात है, ये इट्स द जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की यात्रा कैसी है, कितनी खतरनाक यात्रा है। दुखी बात है कि पीछे किसी और ढंग को चला जाएगा, मैंने इसको कंक्लूड करना है, लेकिन लोकतंत्र के बारे में विषय रखा है इसलिए मैं समझाना चाहता हूं। और जब ये लोकतंत्र आता है तो बाबा साहब अंबेडकर को क्या संघर्ष करना पड़ा, अब मैं वहां आता हूं। बाबा साहब अंबेडकर क्या संघर्ष करते, आप देखते हैं कि जो ये महातलाब की लड़ाई है, चलाब तलाब भारत का बहुत कमाल की बात है। बाबा साहब बोलते हैं कि 1869 में अंग्रेजों ने चबार तालाब को पब्लिक टैंक कहा, कितनी पुरानी बात है, 1869 को अंग्रेजों ने कहा जो ये तालाब